खरगोन जिले के बड़वा के समीप थाना बलवाड़ा के अंतर्गत काटकूट चौकी पर शनिवार सुबह 10 बजे के दरमियान मुखबिर की सूचना पर काटकूट पहाड़ मोहल्ले में 3 ट्रैक्टर ट्राली अवैध बालू रेत को जब्त किया गया है। मुखबिर की मिली सूचना पर विश्वास कर पुलिस थाना ASI SL सोलंकी, आरक्षक अजय इंगले, जगदीश सोलंकी फोर्स के साथ काटकूट सरदार फाटे पहुँचे, जहाँ 3 ट्रैक्टर बड़वा की ओर से आते हुए पाए गए। इन्हें रोक कर चेक किया तो उनमें बालू रेत भरी हुई थी। ट्रैक्टर चालकों से पूछताछ करने पर ट्रैक्टर के कोई दस्तावेज नहीं होना बताया गया। रेती की रॉयल्टी भी नहीं पाई गई। राहगीरों के समक्ष पंचनामा बनाया गया और बगैर रॉयल्टी के 3 ट्रैक्टर पकड़कर जब्त किए गए। खनिज अधिकारी को बुलाकर केस दर्ज किया जाएगा। आरोपियों को जेल भेजा जाएगा। बड़वा से रफीक मुंडा की रिपोर्ट। क्या मामला आया थाने पे? ये 3 अवैध उत्खनन के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। जैसे ट्रैक्टर रेती भरकर के अवैध उत्खनन किया जा रहा है, इसे मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी। चौकी कोपारी काटकूट को लक्ष्मण सिंह सोलन उनके द्वारा 3 ट्रैक्टर ट्राली पकड़ी है अवैध रूप से भर के ले जाते हुए। वो लिया है, कार्रवाई कर रहे हैं, जब्ती की हो गई ये कार्रवाई। और अब जिला खनिज अधिकारी महोदय को प्रतिवेदन भेज के जो भी वैधानिक कार्रवाई हुई की जा रही है। सर ये कितना माल था इनके पास? ये 3 ट्रैक्टर ट्राली है, फुल भरी हुई है। और ये लोग बता रहे हैं कि हम बड़वा तरफ से लेके आए हैं, इधर काटकूट क्षेत्र में कहीं लेके जा रहे थे। इनके पास रॉयल्टी थी सर? रॉयल्टी वगैरह कुछ भी नहीं है, रॉयल्टी कागजात कुछ भी नहीं है। रॉयल्टी होती तो हमें पकड़ते नहीं ना, कागजात रॉयल्टी कुछ भी नहीं है इनके पास में। परिवहन संबंधी कोई दस्तावेज नहीं है इनके पास, इसलिए कार्रवाई की गई है। कार्रवाई ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ हुई कि ड्राइवर? अभी तो ट्रैक्टर ड्राइवर के खिलाफ है और ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ भी खनिज अधिकारी द्वारा की जाएगी कि किस प्रकार से इन्होंने ट्रैक्टर ट्राली को खुद ने दी है या ट्रैक्टर चालक लेके आया है, ये फिर वो फिर जिला खनिज अधिकारी इसमें कार्रवाई करेंगे। अभी तो संबंध गिरफ्तारी हुई है सर इसमें? गिरफ्तारी नहीं, अभी तो जब्ती हुई है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।